एम्यूजमेंट फेयर डिज्नीलैंड मेला अब आपके शहर गांधी मैदान में, एक से बढ़कर एक झूले, जल्दी करें। फन एंड फेयर डिज्नीलैंड मेला अब आपके शहर गांधी मैदान में, एक से बढ़कर एक झूले, जल्दी करें। सिवान सदर अस्पताल जहरीली शराब के मरीजों से मिलने पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा। आनन फानन में मरीजों को हटा दिया गया। भकिया विजय सिन्हा सिवान बिहार के नेता प्रतिपक्ष सिवान सदर अस्पताल पहुंचे थे। आपको बता दें कि सिवान जिले में जहरीली शराब से मौत से कोहराम मचा हुआ है। लगभग मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ा अब 10 हो गया है, लेकिन अभी भी प्रशासन 5 की ही पुष्टि की है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष सिवान में भर्ती मरीजों से मिलने सिवान सदर अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन द्वारा आनन फानन में जहरीली शराब के इलाजरत मरीजों को अस्पताल से भगा दिया गया। अस्पताल पहुंचते मरीज डिस्चार्ज पर हुई डॉक्टर से बहस। आपको बता दें कि सिवान सदर अस्पताल में जहरीली शराब से बीमार मरीज भर्ती थे। अचानक सूचना मिली कि बिहार नेता प्रतिपक्ष सिवान सदर अस्पताल आ रहे हैं। फिर क्या था, 10 मिनट के अंदर मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया, जिस पर विजय सिन्हा भड़क गए और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बहस भी हुई है। देखिए प्रशासन पूरी तरह से आंकड़ा छुपा रही है। अभी तो एक गांव में, ये गोरिया कोठी में हम लोग गए थे, बेला गांव। अभी एक जगह से और फिर पीड़ित लोग आ रहे हैं। कौन सा गांव है? बरौली से। आप बताइए कि प्रशासन क्यों छुपाना चाहता है? आप सत्य को नहीं स्वीकारेंगे तो बीमारी दूर नहीं होगी, अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ये शासन प्रशासन में बैठे लोग ही जब दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनके नियत में खोट है। ये नहीं चाहते हैं कि इसका समाधान हो। सर अब तक आपके पास क्या आंकड़ा पाया मौत का? अभी तो वहाँ बता रहे थे कि 9-10 लोग की बात कर रहे थे, 12 लोग हो गए और 2 गोपालगंज के अंदर भी कह रहे हैं कि मरे। गोपालगंज में भी हुआ ऐसा, नहीं मर गए हैं। अभी गोपालगंज के विधायक जी भी बैठे हैं साथ में। ये घटना छपरा के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ईमानदारी से समीक्षा किए रहता तो ये घटना नहीं घटित होता। इन दोनों के ऊपर भी FIR होना चाहिए, 302 का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी इनकी थी। सत्ता में बैठे थे, क्यों आपने समीक्षा नहीं किया? और वहाँ के SP को, वहाँ के पदाधिकारी को आप शाबाशी दे रहे हैं? शर्म लगनी चाहिए, धिक्कार है इसे शासन में बैठने वाले लोगों को। आपकी सूचना मिली है कि आप आ रहे हैं? निश्चित तौर पर इन लोग की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही और अस्पताल के अंदर अराजकता के वातावरण से बचने के लिए ये खेल खेला गया है। कोई झोलमाल है क्या सर? ये नहीं चाहता है कि प्रतिपक्ष सच को जाने और प्रतिपक्ष के नाते पूरा बिहार जाने। ये छुपाने का खेल है। अस्पताल के अंदर घोर अनियमितता के कारण लोगों ने वहाँ शिकायत की है। आप लोग भी प्रेस मीडिया के लोग थे, बताया कि सुई देने के बाद छटपटा के लोग मर गए। इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। शराब माफिया जो पकड़ा गया है उन्होंने पूरा बताया है कि कहां से कैसे वो स्पीड लाते हैं, कैसे बनाते हैं, सारी बातें इसी अस्पताल में 2 घंटा पहले वो जो गिरफ्तार हुए लोग आए हुए थे उन्होंने। के मुख्य सचिव भी हैं आमिर सुभानी जी। क्या इस जिले के अंदर में जो पहले जंगल राज के समय में अपराधियों के हवाले जिला था, भ्रष्टाचारियों के हवाले जिला था, आप इसको फिर से उसी राज में भेज दिए और गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं? ये कतई नहीं होने देंगे।